10 बजे अपलोड कर देनी थी बट अभी रेंडर चल रही है। तो वीडियो मुझे 10 बजे हिसाब से अपलोड कर देनी थी बट हालत इतनी ख़राब थी। हम लोग रात लगभग भी 12:30 बजे घर पहुँचे एंड हम लोग कितने बजे निकले थे? 2:30 बजे निकले थे। देख लो कितना टाइम लग गया, 12:30, 10 घंटे। ओ भाई साहब 5 घंटे लगता है, हमें डबल टाइम लगा। सीधा सीधा हम लोग जाम में खड़े थे, मतलब आधे घंटे तक हम बिना हिले एक जगह पे खड़े थे, ऐसी हालत थी। एंड यार मैंने खुद से एक चैलेंज लिया है कि मैं 30 दिन तक 30 वीडियोस डालूँगा। तो अभी मैं 5 जन से कंटिन्यू व्लॉग कर रहा हूँ एंड आज 9th है। आज भी मैं ये व्लॉग अपलोड कर दूँ बाय 11:30, अभी 10:45 हुए। तो 30 दिन 30 वीडियोस भाई बहुत हैक्टिक होने वाला है यार। पूरे दिन ऐसे शूट करके और रात को एडिट करके अपलोड करके सोना, इस टास्क सच में बहुत बड़ा टास्क है ये मेरे लिए। तो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी वो बहुत कम लोगों ने देखी, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो पिछली जाके देखो। एंड उसमें मैंने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मेरे को लगता नहीं कि मैंने कुछ ऐसा गलत बोला है। मैंने जस्ट ये नहीं बोला कि वो फार्मर्स लोग गलत थे, मैंने ये बोला है कि वो लोग, मतलब जो भी आप देख लो यार, मैं ज़्यादा इस चीज़ को ऐसा कुछ बनाना नहीं चाहता। रात को पहुँचा, मैंने सिर्फ मुँह धोया है एंड मैं लेटा हूँ, मुझे within a minute नींद आ गई एंड मैं अभी उठा। अभी थोड़ा काम वाम भी करना पड़ेगा एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है काम करने का। एंड आज फिर से बाहर जाना है मुझे शाम को, क्योंकि मैंने एक दोस्त को बोला है मिलने के लिए, तो मुझे जाना पड़ेगा। 30 वीडियो रहेगी लेकिन 30 दिन तक 30 वीडियो आएगी। मैंने ये खुद को चैलेंज किया है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इतनी जल्दी फास्ट अपलोड हो रही है, मज़ा आ गया। एंड यार मज़े की बात देखो, मैं वहाँ से आगे पहुँचा भी नहीं और पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन भी पहुंच गई। अब फिर से ट्रैवल करना पड़ेगा यार, बिल्कुल नहीं चाहता मैं ट्रैवल करना भी, मेरी हालत ही नहीं है। लेकिन विदिन 1-2 दिन मुझे जाना पड़ेगा। वो पुलिस वाले का कॉल आया मेरे पास कि भाई आ जाओ, आज ही आ जाओ। अब उसको थोड़ी पता है मैं दिल्ली बैठा हूँ, तो मैंने बोला सर अभी तो मैं बाहर हूँ, 1-2 दिन में आता हूँ। और पूछ लिया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वही सब अभी हो रहा है। मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए सरपंच से एंड सरपंच जो भी है, चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा वही। तो अभी पापा ने बात करी और जो भी सीन बैठा सब करके, जो भी कागज वागज चाहिए तो उसका बनाने का बोल दिया है। एंड उन्होंने बोला कल ही चले जा क्या यार, चलो जो भी है। एंड अभी मैंने पापा के लिए कुछ मंगाया है, तो वो आ चुका है, अभी मैं उनको दूंगा। एंड ये मैंने अपनी सैलरी से मंगाया, तो मेरे को और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है उनको देने के लिए। उन्होंने खोल के भी नहीं देखा और ये शायद आज ही आया है, तो जो भी है मैं वेट ही कर रहा था पता नहीं कब आएगा। तो ये पापा को दिखाता हूँ मैं, उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा जो भी है। अभी एक जस्ट कमेंट आया, मुझे इन कमेंट्स का समझ में नहीं आता। कमेंट है, बाप के तो पैसे बड़े उड़ाते हो तुम, क्या काम करते हो। भाई इतनी वीडियोस बना रखी है हमने, इतनी वीडियोस बना रखी है और हर वीडियो में तुम देख सकते हो कि भाई मेरा भाई काम करता रहता है, मैं भी उसी में काम करता रहता हूँ। एंड तुम लोग ये बात, मतलब कुछ लोग ये बात बोलते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग क्या कर रहे हो। एंड मैं बोलता हूँ कि पापा का कार्ड हमने स्वाइप कर दिया, भाई पता ही नहीं लगा पैसे कट गए, पापा के पैसे कट गए, पापा का मैसेज जाएगा। तो इवेंचुअली उस कार्ड का बिल भी हम लोग ही भरते हैं। सारी पेमेंट तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, इतना मैं नहीं करता हूँ, बट हाँ मेरा भाई अर्न करता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं पापा के पैसे पे नहीं चल रहा हूँ, भाई के पैसे पे चल रहा हूँ। मेरा भाई मेहनत करता है बहुत ज़्यादा एंड मैं अभी उसका 10% भी नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं स्टार्ट किया है मैंने अभी पिछले कुछ टाइम से, तो मैं कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ अभी। तो यस, मेरा इंटरेस्ट कुछ अलग है एंड उस पर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। मैं अगर आज काम नहीं किया तो फिर आज मेरे को भाई और मम्मी बहुत सुनाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन से मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, लिटरली बिल्कुल काम नहीं किया। एंड अगर अभी भी मैंने काम नहीं किया ना, तो इस महीने की EMI पापा को ही भरनी पड़ेगी। फिर बोले पापा पैसे उड़ा रहे। आज का जो दिन है वो अभी देखा यार, इतना शोर है बाहर, सच में यार बहुत ज़्यादा ऐसे लाउड सा लगा, बाहर आके अंदर इतनी शांति थी सीरियसली। तो अभी मुझे बाहर जाना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये वीडियो आगे लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं, क्योंकि आके फिर मुझे एडिट भी करनी रहेगी, तो भी मेरे को दिक्कत होने वाली है। तो जो मैंने इंस्टा पे वो डाला था क्वेश्चंस वाला, उसका अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो मैं बनाने वाला था कल, बट मुझे सडनली एकदम से हुआ कि मुझे गाँव जाना पड़ेगा, तो अभी गाँव से आके फिर मैं बनाऊँगा। अभी CP जा रहा हूँ मैं, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बहुत ज़्यादा छोटी है, वैसे भी इतनी देखते हो आप लोग तो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए